क्लेयर, मैं वापस आ गया। देखो मेरे पास क्या है, रिची, एलिजाबेथ, आ जाओ जल्दी से, चलो ये लाजवाब है। सोहरा, कितना कितना प्राइमल, ए दोस्तों तुम्हें ये देखना चाहिए। क्लेयर, ऋषि, तुम कहाँ हो? दोस्तों दोस्तों, क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो? मुझे पेंटिंग मिल गई है, आखिरी वाली। मेरी कलेक्शन आखिरकार पूरी हो गई। मॉम मॉम, जरा चल के देखिए, हेनरी तुम्हारे बड़े भाई ने आखिर कर दिखाया, मैंने ढूंढ ली। क्लेयर, सच में बिल्स इंतजार कर सकते हैं। क्लेयर, इलिजाबेथ, आओ चल के देखो तुम्हारे डैड क्या लाए हैं। सही में किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। इलिजाबेथ, तुम्हारा भाई कहां है? वो शायद बेडरूम में होगा। रिची, रिचर्ड, कला के लिए कोई इज्जत नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या मुसीबत है? मैं यहां पर तुमसे बातें करने आया हूं। मैं ये नहीं कह रहा था, देखो उसे। मैं क्या करूं, मुझे पता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मॉम, हेनरी, क्लेयर, तुमने ये उनके साथ किया, तुमने मुझे उन्हें मारने पे मजबूर किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने मुझे मारने पे मजबूर किया। वो मेरा परिवार था, तुम नहीं, तुम में से कोई नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। ये नामुमकिन है। और आखिरकार आज रात की हाइलाइट्स, एक जबरदस्त कलेक्शन और 7 मास्टरपीसेस के।
जो डोरिनवाल्ड ने 1891 में बनाई थी। ये उनका आखिरी काम था उनके अजीब तरीके से गायब हो जाने के पहले का। खुद से बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिहोल्ड द एनालिस्ट। क्या इसको सनसनी कलेक्शन नहीं कहते? मैं इसके बारे में ज्यादा सोचना पसंद करती। तुम्हें क्या लगता है जीना, तुम तो एनिमल लवर हो, क्या तुम्हारे फॉर्म में जो से मुकाबला नहीं कर सकता? मिस बेरुएन, क्या हम पेंटिंग्स के लिए अलग बोली लगा सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। वैसे मुझे वो बोट पसंद आ गई। हमें इन पेंटिंग्स को ढूंढने में सालों लग गए, आखिरकार हमने ढूंढ लिया। इसके बारे में कुछ? मैं कहती हूँ हम 2 लाख से शुरू करते हैं। मेरे पास 2 लाख अभी यहीं पर है। हमारे पास 2 लाख है। 3? हमारे पास 3 लाख है। शुक्रिया स्टेफनी। 7 पेंटिंग्स बहुत होती हैं। हमारे पास मिस्टर कार्टर के 3.5 लाख है। क्या इसे ज्यादा बोली लगाने वाला है? नहीं, मैं इन बच्चों को घर लेकर जा रहा हूँ। ये तुम्हारी कॉल है, तुम इंटीरियर डिजाइनर हो, मैं तो सिर्फ अकेला आर्किटेक्ट। सिर्फ अकेले हो? नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। 3,51,000। सीरियसली? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या और कोई बोली लगाने वाला है? बोलो दोस्तों। ये एक अच्छे कॉज के लिए है। हमारे पास 5 लाख की बोली है मिस्टर विल्सन की। 5,01,000, 5,02,000, 5,03,000 और विल्सन को बिक गई। और हमारी आज शाम की नीलामी यही खत्म होती है। आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। लाजवाब शाम के लिए आपका शुक्रिया मिस बेरीमैन। थैंक यू। खूबसूरत शाम के लिए थैंक यू मिस बेरीमैन। मुबारक हो मिस्टर विल्सन, ये बहुत ही प्यारी पेंटिंग है। थैंक यू। मुझे खुशी है कि पेंटिंग आपको मिली, वरना किसी और के हाथ में लग जाती। हाँ तो मुझे इन पिक्चर्स के बारे में और बताइए। मुझे अच्छा लगेगा। तो चले हाँ। चलो बाहर चलते हैं। आपने तो काफी अच्छी खरीदारी कर ली मिस्टर विल्सन। क्या आप आर्ट कलेक्टर हैं? नहीं, सही मायने में नहीं। शायद आप जंगली काम करने के फैन होंगे। सच बोलूं तो आज से पहले इस आदमी के बारे में कभी नहीं सुना था मैंने। क्या आपको इनके कामों के बारे में ज्यादा पता है मिस्टर मेंडेल? मैं इनके कामों से अच्छे से परिचित हूं, उनको भूल पाना बहुत मुश्किल है। फादर मन्नेर, क्या आपको ये पसंद है? हाँ, ये कहाँ से आया? ये चर्च में डोनेट किया गया था, और मैं जानती हूँ कि सरपेंट्स हमारे लॉर्ड का निशान नहीं है, पर सब भगवान के बनाए हुए हैं, और ये तो कितना शानदार पीस है। मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं बस बाहर जाकर इस तक पहुंचकर छूना चाहती थी। इसने तकरीबन मुझे काट ही लिया था। आपका दिन लाजवाब हो फादर। आपका भी सिस्टर।
अगर आंख ने आपको अपमानित किया हो तो आपका शुक्रिया मिस्टर एंड मिसेस विल्सन इन पेंटिंग्स को खरीदने के लिए। थैंक यू। मुझे पक्का यकीन है आप इनका आनंद उठाएं। अच्छा हम चलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रुकिए प्लीज, ये समझाना बहुत मुश्किल है। इन पेंटिंग्स को टांगिएगा नहीं, मेरी गुजारिश है। वैसे आप पेंटिंग्स को टांगने के सिवा और क्या काम कर सकते हैं? तबाह कर दीजिए इन्हें, इससे पहले कि जानवर आपको बेवकूफ बनाए। वो आपको खुशियां नहीं देंगे, सिर्फ निराशा देंगे। जिस आदमी ने ये पेंटिंग्स बनाई थी वो उलझा हुआ था, वो मर चुका है, उसे सब हारा हुआ कहते थे। इन पेंटिंग्स के पीछे अंधेरा है और उनके साथ बुराई है। पार्टी में आने का आपका न्योता कहाँ है? मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इन्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्रीस्ट हुआ करता था, अपना हाथ मुझ पर से हटाओ। क्या तुम इन सात खतरनाक पापों से अवगत हो? आपको बात समझ नहीं आ रही? चलिए यहाँ से निकलिए। माफी चाहते हो, मुझे नहीं पता ये कौन है, कैसे अंदर आ गया। कोई बात नहीं, हमारी पेंटिंग्स हमें कब तक मिल जाएंगी? 10 और 12 के बीच में, क्या आपके लिए ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सुरक्षित बाय। मुझे जंगल वाली पेंटिंग बहुत पसंद आई, ये लुईस के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा होगा जब वो लौट कर यहाँ आएगा। तो सुजी तुम्हारी बहन है जो अभी भी हाई स्कूल में है? नहीं, सुजी मेरी सौतेली छोटी बहन है। क्लोना मेरी बहन है, वो 17 साल की है, हमारी मॉम डैड की पहली पत्नी थी। सही में लुई, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स अपार्टमेंट में रहते हैं? ये तो हवेली है, मुझे और कोई नाम नहीं पता। ये एक एस्टेट है या फिर कोई महल? काश तो मुझे बता देते कि मैं तुम्हारे साथ इस ब्रेक पे आ रही हूँ। मैं इसको सरप्राइज रखना चाहता था। रिलैक्स, तुम्हें पसंद आएगा। वाओ, इसकी आदत के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। वैसे अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम हमेशा के लिए फ्लैट्स या किसी टावर्स में रह सकती हो। रहीसों और अप्रियों का लाइफस्टाइल, नहीं शुक्रिया। डैड, जीना, डोना, हो सकता है वो पहले ही सो चुके हैं। पर अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। फिर भी हमें उन्हें उठाने की जरूरत नहीं है। डोना। हाय लुई। तुम कोठरी में क्या कर रही हो? मैंने सोचा तुम ऊपर आए और फिर सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं, पर मैंने आवाजें सुनी और मुझे एहसास हुआ कि तुम अकेले नहीं थे, तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए। हेलो। हाय, मैं किम हूँ, मैं लुई की कॉलेज की दोस्त हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को साथ में समय बिताना चाहिए, तो बेहतर यही है। तुम बहुत प्यारी हो और अब मैं सोने जा रही हूँ। ओके डोना, वो ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। घर पर स्वागत है, शुभ रात्रि। ठीक है, बेहतर होता कि मैंने उन्हें बता दिया था कि तुम आ रही हो। तुम्हें लगता है? मैंने तुम्हें बताया था ना, इस जगह पे काम करने का मतलब है जैसे चिड़ियाघर में काम करना। कि उन्होंने हमें हायर किया है, ये लो। अगर सावधान नहीं रहोगे तो तुम्हें पिंजरे में डाल देंगे। इसकी कीमत 5 लाख। मुझे तो समझ में नहीं आई। वैसे तुम्हें पता है कि उसे क्या कहते हैं? आर्ट निहारने वाले की आंखें होती है। कौन सी आंखें? और फिर इसमें सुंदर है ही क्या इस? मुझे तुम अपनी सोच बदलो। मुझे तो गंदगी दिखती।
क्या पी रहे हो तुम? देख लो क्या पी रहा हूं। hey, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बोले क्या हुआ? तुम जो उल्टा सीधा खाते हो उसका नतीजा है ये। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो छोड़ो इसे। ए भगवान तुम्हें। तो तुम दोनों मिले कैसे? पोएट्री की क्लास में। प्रभावित हुआ, हमारे बेटे ने पोएट्री ली है। लिटरेचर जिसमें कुछ पोएट्री मिली हुई है। एक गुलाब किसी और नाम से। चाहेंगे कोई अच्छा सा फूल। शुक्रिया। और किम तुम क्या पढ़ रही हो? क्लासिक्स। मैं इंग्लिश में मेजर कर रही हूँ। लेखिका बनना चाहती हूँ। एक पेंटर और एक राइटर, गरीबी में बनी हुई जोड़ी। और जीना सारे चैरिटीज के बारे में जानना चाहती है। वैसे पैसा होना अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा हो। वो सब तुम्हें मुझसे मिले हैं। डैलन अपने पार्टनर्स को अपनी बिल्डिंग के डिजाइन से पागल कर देता है। वो पूरा पक्का कर लेता है कि सब कुछ वातावरणीय चेतना की तरह हो, जैसे कि ग्रीन एनर्जी। हो सकता है ये सस्ता तरीका ना हो, लेकिन मुझे रात को नींद अच्छी। नींद बहुत ही जरूरी है, खासकर जब आपके आसपास 7 और 9 साल के बच्चे शोर मचा रहे हैं। वैसे जैक और सूजी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बस थोड़ा थका देते हैं। ओ, शायद डिलीवरी देने आया होगा। बोला था ना वो शांत हैं। एक उत्तम पिता, एक सही में अच्छी सौतेली माँ, एक संकोच करने वाली पर प्यारी बहन और 2 प्यारे से मस्ती करने वाले बच्चे। मुझे माफ करना लुई, ये रिश्ता तोड़ना होगा। हाँ? हर परिवार में कोई ना कोई एक अजीब सा कैरेक्टर होता है, और मुझे अभी एहसास हुआ कि वो तुम हो, जिसका मतलब है कि मुझे सोचना पड़ेगा। चुप रहो। कोशिश कर लो। मेरा भी प्लान है। ध्यान से उतारो। शुक्रिया दोस्तों। मिस्टर विल्सन, आप इस तस्वीर को कहां पर रखना चाहेंगे? इन्हें लिविंग रूम में रख दीजिए, हम इन्हें खुद खोल लेंगे। ठीक है। हे, तुम्हें पता ना ये मेरा काम नहीं है। वैसे बिल मोरे को क्या हुआ था, क्या तुम बता सकते हो? डैड, ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है जीना और मैं नीलामी से खाली हाथ आएंगे? बस थोड़े से रंग दीवारों को रोशन करने के लिए। इनकी कीमत कितनी होगी? कभी पेंटर डोरियन वाइल्ड के बारे में सुना है? नहीं। तो शायद हमने कीमत ज्यादा दे दी। ये लो, रख दी। आर्टिस्ट को काम करने के लिए बस जगह की जरूरत होती है। वाओ। हाँ, हमने सोचा कि जब तुम कॉलेज से वापस आओगे तो पेंटिंग के लिए एक जगह हो और जहाँ सरस्वती हो। क्या बात है, दुनिया के बेहतरीन पेरेंट्स। ये सच में बहुत ज्यादा है। हम बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। संघर्ष करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसमें सहयोग मिल जाए तो और अच्छी बात है। काश मेरे टीचर्स भी ऐसा ही सोचते हैं। मैंने कहा ना, उनकी बातें मत सुनो, तुम्हारी ड्राइंग्स गजब की हैं। लोइस, उनका क्या कहना है? उन्हें लगता है मैं मेहनत तो करता हूँ पर मेरे काम में कोई उत्साह नहीं है। तुम्हें पता है, हो सकता है ये डोरियन वाइल्ड तुम्हें प्रेरित करे, इसमें उसकी क्रिएटिविटी दिख रही है। हो सकता है मैं इन सब में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हमें कुछ और पेंटिंग्स लगानी है तो हम लोग जरा। हाँ, मजे करो तुम दोनों। हे बेटी, तो क्या आज रात के लिए तैयार हो?
नहीं, मैं फिनिस स्प्रिंग ब्रेक पार्टी में नहीं जा रही। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे नहीं बुलाया गया। जबकि वो वहां पर होगा। कौन वहां पर होगा? बॉबी स्टैनफोर्ड। क्या वो टिफेनी को डेट नहीं कर रहा? तो तुम क्या करना चाहते हो? इस पेंटिंग को जरा देखो किम। हाँ मैंने देखी। नहीं सच में देखो। रंग, परछाई अच्छे पर लगते हैं डेंजरस, उत्तेजित करने वाले। जंगल और शेर। ये जंगली है। हाँ तुम जानती हो आर्टिस्ट को? नहीं मुझे नहीं लगता। जरा ऊपर देखो। मैं अभी कुछ पेंट करता हूं। जूलियन जरा बेडरूम में आना प्लीज। ये तो बहुत अच्छी दिख रही है और वो तो उससे भी बेहतर लग रही है। इधर आओ जूलियन। बच्चे बाहर हैं और डोना तो बस नीचे वाले कमरे में है। मुझे परवाह नहीं है। भारी दोपहर में ये सब मुझे अच्छा है। मुझे चुनौती पसंद है। हाँ जैसे कि मैं सबसे प्यारी स्कूल की लड़की से मुकाबला करने वाली हूँ और जो हेड चीयर लीडर भी है। जैसे एक बेकार लड़की है और तुम उसे हासिल कर सकते हो अगर कोशिश करो तो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरे पास इससे बेहतरीन करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि? वैसे मुझे पढ़ना है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने आप में रहना। लड़ना क्यों है जब तुम बदल नहीं सकते तो? ये अच्छी बात नहीं है। टिफनी रॉबर्ट्स उसकी तरह दिखती है। उससे बात करो टिफेनी, तुम वाहियात हो। क्या है अगर उसका बॉबी जैसा बॉयफ्रेंड है? तुम उसके लिए बहुत अच्छे हो बॉबी, बहुत अच्छे। क्यों तुम्हारे पास वो सब चीजें नहीं हैं? ए दोस्त, कुछ उदास लग रहे हो? एक और बियर चाहिए क्या? श्योर डैडी। तुम्हारा क्या हाल है दोस्त? मैं अच्छा हूं। सही में तुमने सही कहा, मैं पत्रों के पीछे छुप गया और मिस्टर जैक्सन की ड्रिंक अपनी टैब में डाल ली। जी सर। तुम्हारे दोस्त को कल रात को क्या हुआ मैं ये मैंने सुना था। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। कभी कभी बात करने से मन हल्का हो जाता है। तुम क्या हो, एक थेरेपिस्ट? मैं प्रीस्ट हुआ करता था। मोरे कमाल का इंसान था। मैंने उसके जैसा कोई नहीं देखा। वो तब तक पिता जब तक वो बेहोश ना हो जाए।
क्या उसका कोई संपर्क था उन शानदार कलेक्शंस के साथ? मैं नहीं जानता वो क्या बोला है। वो जानवरों की पेंटिंग्स हैं, वो एक सीरीज है, उसमें एक सुअर रेत में स्विमिंग कर रहा है। अरे हाँ, वो इसी को तो ढूंढ रहा था। उसका उसका दिमाग खराब होने से पहले ग्लॉटनी। क्या? वो पेंटिंग सुअर की ग्लॉटनी को दर्शाती है। देखिए फादर, अब मैं फादर नहीं हूं। जी हाँ, मरने से पहले मेरे डैड ने मुझे बताया था इसके बारे में। देखिए, मैं यहां पीने के लिए आया हूं, अपने दोस्त की मौत का शोक मनाने के लिए, न कि फालतू बातें सुनने के लिए। माफ कीजिए। डोरियन वाइल्ड के बारे में ऑनलाइन कुछ ज्यादा नहीं है। लगता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरी तरह से हारा हुआ कलाकार था। क्रिटिक्स को कुछ नहीं पता। कोई शर्तें नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आज आप किस पे काम कर रहे हैं, मिस्टर विल्सन। आयाम बिल्कुल सही है, रंगों का पैलेट अच्छा है। ये पेंटिंग मेरे लिए कुछ भी भावनात्मक नहीं करती। आपका दिल कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं देखता हूं यहां पर बिल्कुल भी। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे काम में बिल्कुल नहीं है। हर एक पेंटिंग, हर एक ड्राइंग को दर्शकों को आकर्षित करना चाहिए, उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहिए ताकि वो कहीं और ना देख सके। कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये मास्टरपीस बनाने के लिए खून पसीना और आंसू लगते हैं, जिसको हर कोई याद रख सके, और मुझे तुमसे वो नहीं मिल रहा है। तुम्हारे अंदर कला है पर तुम्हारी आर्ट में जिंदगी नहीं है। मुझे कुछ तो महसूस करवाओ। एक दर्जन डायमंड से इलाज होगा। इन्हें कोई आइडिया नहीं कि सच्ची कला के लिए क्या चाहिए होता है। सच में जरूरत है क्या? ऐसा ही नहीं है लुइस? पर वो सही था, खून पसीने और आंसू के बारे में। भगवान जानता है कि मैंने ये सब किया है करने के लिए मेरा काम। डोरेन वाल्ट, आपके सामने अगर विश्वास करना है तो, मगर दूसरी तरफ ये जरूरी नहीं है कि खून पसीना और आंसू तुम्हारे ही हों। जब बांध में हो तो हमेशा ये समझो कि हर पेंटिंग एक लड़ाई का मैदान है। कला त्याग मांगती है। सच्चे कलाकार को अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। तुम्हें लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लुई, लुई, मैंने कहा कि डोरियन वाइल्ड के बारे में ऑनलाइन तो कुछ ज्यादा नहीं मिला, पर मैंने इन पेंटिंग्स के बारे में जरूर ढूंढा है। इन्हें कहते हैं जानदार कलेक्शन। शानदार इसके लिए बिल्कुल सही शब्द है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे स्ट्रेंथ, पावर। शानदार नहीं, जानदार। लेकिन शेर और मेंढक का इनसे क्या लेना देना है? किम, इधर आओ, मैं तुम्हें पेंट करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं मॉडल नहीं बनती। तो फिर तुम आज बन जाओ, अपने कपड़े उतारो। क्या मजाक है लुई? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपने कपड़े उतारो। मुझे नहीं करना। हे भगवान,
ये परिवार कैसा सा है? हे किम, हे डोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं टाउन तक घूमने जा रही थी, अब वक्त है कुछ बदलाव का, आना चाहोगी? फ्रेश हो गई होगी। माफ करना कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, वो ऐसा था जैसे, मुझे नहीं पता, प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये अब किम, किम तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुम किसी और को भी ढूंढ सकते हो अपने सब्जेक्ट के लिए। तुम लोग कहाँ से भाग के आ रहे हो? एमी और टेरी के डैड आए हैं, क्या हम वहाँ जाकर खेलें? प्लीज। ओ, मुझे लगता है कि आज तुमने काफी खेल लिया, अब नीचे जाकर टीवी देख लो, बाकी कल खेल लेना। बाय टेरी। ठीक है, बाय बाय। तुम लोग कुछ खाओगे? नहीं। नहीं नहीं नहीं, पैसे की बर्बादी है, वो हमारी बॉटम लाइन में मददगार नहीं है, ऐसी महंगी चीजों का कोई मतलब नहीं है, हमारे इन्वेस्टर्स को मुनाफा होना चाहिए, समझ गए? मेरी बात सुनो, उन पेड़ों को हमें काटना होगा, हमें पार्किंग के लिए और जगह चाहिए, कारों का मतलब ज्यादा लोग, ज्यादा बिजनेस, हमें अब से उसी हरियाली के बारे में सोचने की जरूरत है कि कैसे हम अपनी जेबें भरें। Excuse me, आप अपना बैग भूल गई थी। ये तोहफा है तुम्हारे लिए। मैं ये अबॉर्ड नहीं पहनती। ठीक है, थैंक यू, शुभ दिन, मजे करो, बाय। अब नई जूतों का वक्त। हे डोना, मैं जूतों की दुकान में नहीं जाऊंगी। पक्का कह रही हूँ? मेरा मतलब, सारी लड़कियाँ नए जूतों का इस्तेमाल करती हैं और मेरे कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं। शुक्रिया, पर मैं थोड़ी देर सैर करना चाहूंगी। बाय, मिलते हैं। डोना, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने पेंटिंग कहाँ से खरीदी थी? हाँ, सेंटर आर्ट गैलरी से। वो ऐसा है कि उस तरह की तीन ब्लॉक छोड़ के कुछ ऐसा ही। डोना, शुक्रिया। मैं मजे से कुछ ज्यादा ही करूंगी, मैं आज की पूरी पार्टी की जान बनूंगी। वैसे बाद में मिलते हैं, बाय। हाँ। तुम्हें मुझे विल्सन का पता देना होगा जहाँ पेंटिंग्स भेजी गई हैं। तुम्हें मेरी गैलरी से निकलने की जरूरत है, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। बुला सकती हो, मैं पुलिस को बताऊंगा कि कल रात को मूरे के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। वो तो एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। तो तुम ये कहना चाहती हो कि डगलस परिवार के साथ जो हुआ वो एक हादसा था? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कलेक्शन कहाँ से मिली और मुझे पता है कि उस परिवार के साथ क्या हुआ जो इन पेंटिंग्स के मालिक थे। वो एक दुर्घटना थी।
वो आदमी बिल्कुल पागल हो गया था। लॉरेन विल्डेज पेंटिंग्स के सारे नतीजे, मिस बेरीमैन, वो सब कुछ दोबारा होने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि एक कलाकार जिम्मेदार था बीमार आदमी की हरकतों के लिए? मिस्टर विल्सन, उनकी पत्नी और जो कोई भी उन पेंटिंग्स के संपर्क में आएगा उसकी जिंदगी खतरे में है। मैं बुला रही हूँ। भगवान ही तुम्हारी मदद करे। बीमार और बुराई वाली पेंटिंग्स। दरअसल ये मेरा पसंदीदा पीस है। मुझे पसंद आई। वो क्योंकि आपका स्वाद लाजवाब है मिस्टर साइमन, और मुझे यकीन है आप शादीशुदा हैं। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ये तो और बेहतर है। Excuse me, sir. वहाँ आपकी बातचीत सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्या आप वहाँ पे शानदार कलेक्शन की बात कर रहे थे? और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उसके बारे में क्या जानती हो? ज़्यादा नहीं, पर मेरे बॉयफ्रेंड को शेर की पेंटिंग आज दी गई है। कोप, वो तो सबसे खतरनाक है। डेलियन, सेकेंड राउंड के लिए तैयार हूँ। वक्त नहीं है, पैसे कमाने में लगा हूँ, बहुत सारे पैसे। तुम कब से इतनी परवाह करने लगे? जब से मैं समझने लगा हूँ। मैं बेवकूफ था चीना, लाखों डॉलर्स खो दिए, किसके लिए? किसी को परवाह नहीं। मैं बहुत ही बड़ा रईस बनना चाहता हूँ, पूरे कनाडा को खरीद सकूं मैं। मुझे तुम अभी चाहिए। बाद में। जैक, सूजी, क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, मम्मी को थोड़ा सा वक्त अकेले गुजारना है, तो ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। ये क्या है? ये स्नेल के जैसा है, गंदा है ये तो। स्नेल्स की आश्चर्यजनक दुनिया में आपका स्वागत है। स्नेल रमणीय जीव है और बड़ी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अपने उपकरण के साथ होते हैं तो स्नेल खिलौने पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें म्यूकस के नाम से जाना जाता है, जो उन्हें असमतल सतहों पर चलने में मदद करता है, उनके मुलायम और ताकतवर शरीर को ध्यान में रखते हुए। नेल्स कितने अच्छे होते हैं। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं स्नेल बनना चाहता हूँ। मैं भी। और तुम्हें ऐसा करना चाहिए बच्चों, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। मुझे अपने आप को मार देना चाहिए अगर मैं रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकता। मैं अपनी आत्मा दे दूंगा कुछ ऐसा बनाने के लिए जो हमेशा याद रखा जाए। ये वैसा ही है जैसा 1898 में था। मुझे मौका नहीं मिला, किसी ने मेरी कला की तारीफ नहीं की, तो मैंने एक सौदा किया और उसमें क्या लगा? खून, पसीना और आंसू।
तुमने देखा, मुझे दान देने वाला मिल गया। मुझे बहुत ही खास असाइनमेंट के लिए कमीशन किया गया था। अगर मैं कामयाब होता तो मुझे हमेशा के लिए याद रखा जाता। मुझे 7 अलग अलग पेंटिंग बनानी थी जो कि अलग अलग विषय का प्रतिनिधित्व करें, और तुम कह सकते हो कि हर कोई एक दूसरे का हिस्सा थी, जिसे थोड़ा सा मैंने भी पेंट किया था। पर वो वाला मुश्किल हिस्सा नहीं था। कैनवेसेस को क्रिएट करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। डरो मत, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, वो ऑलरेडी मर चुकी है। मैंने इसे अपने एक अच्छे दोस्त जैक से उधार लिया है। तुम शायद उसे जानते हो रिपर के नाम से, पर उसकी असली पहचान थी, वो एक अलग कहानी है, अलग समय के लिए। जानते हो कैनवस इंसानी खाल से बनाया जाना चाहिए, कोई विकल्प नहीं हो सकता, तो एक प्रोस्टिट्यूट को यह करना पड़ेगा। हे डोना, नहीं ठीक है, मेरे बगैर ही घर वापस चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वो उबर कर लूंगी। पूछने के लिए शुक्रिया। सॉरी, बताइए। 7 पेंटिंग्स, 7 पाप, सबका प्रतिनिधित्व जानवर करते हैं। ग्लट नहीं, सुअर है, लालच टोड है, स्लॉटर, स्नेल्स ढा को सांप की तरह दर्शाया गया है, बकरी को हवस, मोर को गौरव की तरह, और शेर को कोप की तरह से दर्शाया गया है। पृथ्वी का स्वर्ग, प्रेम से दुखी, प्यार की कमी, अत्यधिक प्रेम। बिल्कुल सही, इंसान का पतन, खराब प्रलोभन है। पर वो तो बस पेंटिंग्स हैं। नहीं, वो नहीं है, वो ताकतवर है। मैं सालों से इन पेंटिंग्स को ट्रैक कर रहा हूं, और सभी मालिक जिनके पास वो थी, चाहे आदमी हो या औरत हो, उसके अधिकार में गायब हो गए। वो नाम एक संयोग नहीं है, डगलस विंटर ने अपने पूरे परिवार की बलि दी। मेरा सामना ढा की पेंटिंग से हुआ था जब मैं छोटा था। उसने मुझ में बुरी सोच भर दी, गलत आइडियाज आने लगे, मुझे वो रोकना पड़ा जो मैं देख रहा था। Father Mendel, Father Mendel, Father, Jesus, Father, Father, क्या Father Mendel, Joseph, Father, Father, तुमने ये क्या किया? Joseph, Father Mendel, मदद करो, मुझे Father, क्या किया तुमने? अपने आप को मारा। और उस दिन बहरे को किताब में लिखे हुए शब्द सुनने चाहिए थे, और अंधे को अपनी आंखों से अंधकार और अंधेरे से बाहर। मुझे याद है 2918, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अपना समय देने के लिए शुक्रिया मिस्टर मेंडेल, पर देर हो रही है, मुझे जाना होगा। कुछ तो जरूर करना पड़ेगा मिस कैलेन। जी हाँ, मैं समझ गई, शुक्रिया आपके समय के लिए मिस्टर मेंडेल। रुको, मुझे उस घर में जाना है जहाँ पेंटिंग्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। तुमने भी मुझे सरप्राइज कर दिया। वाह, बहुत अच्छी लग रही है। आपको पसंद आया? जरा घूम जाओ। उफ, उफ, यम्मी लग रही हो। शुक्रिया।
मैं बस उम्मीद करती हूँ बॉबी को पसंद आएगा। अगर वो नहीं आया मतलब वो गे है। चलो मैं तुम्हें एक और राय देती हूँ, अपने इनर को निकाल दो। सच में? हर वक्त अपना हौसला कायम रखो। अच्छी सलाह है। ये लो। डैड को कहिएगा मुझे देर हो जाएगी। एंजॉय करो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैं चर्चा नहीं करना चाहता। स्टॉक्स बेच दो, कैंडल्स के दाम बढ़ा दो, मुझे बहुत पैसे चाहिए। ज्यादा मुनाफा, ज्यादा पैसे, बहुत सारे पैसे। डैड, क्या आपने किन को देखा? एक सेकंड सेठ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं काम कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अभी 9 बज चुके हैं। टोक्यो में नहीं, मैं किम को ढूंढ रहा था। वो कौन है आप? मेरी गर्लफ्रेंड। मैंने नहीं देखा उसे। खरीदो, बेचो, खरीदो। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे इस वक्त जरूरत है सब्जेक्ट की। मुझे अपनी कला के लिए विषय चाहिए। डैड, आप वहां से पीले दिख रहे हैं। जाओ 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 जाओ, मुझे काम करने दो। ज्यादातर स्नेल जमीन में अंडे देते हैं, छोटे स्नेल अंडों से बाहर आते हैं। कुछ जातियां हिंसक होती हैं या सर्वाहारी कार्निवल होती हैं। तो याद रहे बच्चों, अगर इंसान स्नेल को खाते हैं, कुछ स्नेल्स को तुम्हें खाने का भी मौका मिल सकता है। क्या कोई दरवाजा खोलेगा? हाय, तुम? मिसेस विल्सन, मेरा आपको परेशान करने का इरादा नहीं था। वो ठीक है, मैं पहले ही परेशान हूँ। लूही है क्या घर पे? वो बाहर गया है, पता नहीं कहाँ पर। मेरी तहजीब कहाँ गई? अंदर आओ, हम लोग आपस में गर्ल्स नाइट बना लेंगे। तो मिस्टर विल्सन भी घर पे नहीं है? वो रात भर काम करते हैं, बस हम दोनों ही हैं। Face.
हे बिग बेटी, कैसा चल रहा है? मुझे नहीं लगा था तुम आओगे। मेरी इच्छा नहीं थी। बस देखती जाओ। लाजवाब पार्टी टिफेनी, न्योते के लिए शुक्रिया। कमाल की बात है, मुझे तो नहीं लगता मैंने तुम्हें बुलाया था। बॉबी, क्या तुम्हें मेरी नई ड्रेस पसंद आई? मैंने बस ये तुम्हारे लिए खरीदी है। दरअसल मुझे लगता है ये बॉबी पर ज्यादा अच्छी लगेगी। मुझ पर हंसो मत। जो भी हो। ये मेरी है, मुझे चाहिए। वाओ, सॉरी डोना, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, महसूस करना चाहती हूँ। डोना, बॉबी, क्या मैं एक सेकंड तुमसे बात कर सकती हूँ? क्यों नहीं, चलो चलो। यस, क्या वो मज़ा? देखोगे या खरीदोगे भी? मॉडल ढूंढ रहा हूं मैं। आप तो पहले से ही विक्टोरिया सीक्रेट कैटलॉग में हो। अंदर आओ। मैं चीप नहीं हूं। तुम कहती हो तो। आपको पता है मैंने इन पेंटिंग्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है, और वो कलाकार जिसने इन्हें बनाया है। ओ सच में? चलो बताओ। ऐसी अफवाह है कि कलाकार डोरियन वाइट पंथ में था और उसने शैतान के साथ सौदा किया था कि वो हमेशा जिंदा रहेगा अपनी कला के जरिए। और ये कौन से सिन को रिप्रेजेंट करती हैं? वो माना जाता है हवस का। ऐसा मत बोलो। हाँ, वैसे मैंने सही कमरा चुना है इन्हें लगाने के लिए, है ना? कुछ लोगों का कहना है कि पेंटिंग्स में ताकत है, ताकत तुम बहुत परेशान हो। लोगों को प्रभाव में लाया जा सके। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। आपने क्या बताया था मिसेस विल्सन, आपके पति कहाँ हैं? वो ऑफिस में पूरी रात काम करेंगे और बच्चे नीचे अपने कमरे में हैं, तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा। प्लीज मुझे जी ना बुलाओ। पेंटिंग काम कर रही है। नहीं, वो मेरे साथ आए हैं। नहीं, आओ मेरे साथ। नहीं। चलो मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलाता हूँ। वाओ, तुम तो सच में कलाकार हो। मैंने कहा था तुमसे। क्या तुमने ये पेंट किया? ये अच्छा है। हाँ हाँ, ये मेरी एक कला है। मैंने सोचा आज मैं तुम्हारी रानी हूं। तुम मेरा विषय हो। अब अपने कपड़े उतारो। देखो, मैं पोज करूं या कुछ और, कीमत उतनी ही लगेगी। 300 एक घंटे के। ठीक है,
कपड़े उतर कर उस कपड़े पर लेट जाओ। लेट जाऊं? मैंने सोचा तुम मुझे। ओ कम ऑन, चलो कबूल करो कि तुमने आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया है ना। गलत। वापस आओ। मर जाओ। तुम्हें क्या लगता है? ओके, अब तुम आंख खोल सकती हो। स्वागत है। हे भगवान, ये मैं हूं मिस किम, मैं हूं। मेरी बात सुनो, उन्होंने उनकी आत्माओं को भ्रष्ट कर दिया है। इसको रोकने का बस एक ही तरीका है कि बुराई के इन कैनवासेस को जला दिया जाए। वो कहाँ हैं? ज्यादातर घर के अंदर हैं। घर में कहाँ? हवस ऊपर मास्टर बेडरूम में है, डोना के बेडरूम में, लालच मिस्टर विल्सन के ऑफिस में, आलस नीचे बच्चों के खेलने के कमरे में, गौरव लिविंग रूम में, और मुझे लगता है ग्लटनी रसोई घर में है। कोप कहाँ है? साथ मास्टर गैराज में। ठीक है, तुम कोप वाली पेंटिंग लेकर आओ, मैं बाकी लेकर आता हूं। गुड इवनिंग फादर मेंडेल। कल रात से अभी तक मैं आपको याद हूँ मिसेस विल्सन? नहीं, पर पिछले कुछ सालों पहले से, बस आपकी आंख के साथ हादसा होने से पहले से। डोरिन, शरीर में, वैसे इस शरीर में, ओ यहाँ अंदर अच्छा है, गर्म और लाजवाब। ये उसकी बेटी है डोना। हाय। ये ग्रेगरी यहाँ काम नहीं करेगा, मैं राक्षस नहीं हूँ। तुम शैतान की औलाद, मैं तुम्हें चीर दूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पेंटिंग को हाथ मत लगाना।
जब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल जाती तब तक और कितने परिवारों को बर्बाद करोगे? सारा फेम कीमत देकर मिलता है, बस अपने चारों तरफ देखो। मेरी पेंटिंग बस सात सिंस के जैसी है, जिनका कोई वक्त नहीं, कोई समाप्ति की तारीख नहीं। वो कभी अपने स्टाइल से बाहर नहीं होंगी। हाँ, तुम कौन हो? तुमने क्या किया? पसीना और आंसू लगते हैं कि खून, पसीना और आंसू। पर ज्यादातर खून। जरा गौरव को देखो, वो सारे रंग कितने जीवांत, कितने सुंदर। तुम्हें तो पता ही है गौरव असली सिन है और उन सब में सबसे खराब। हाँ, ये कहा जाता है कि गौरव की वजह से ही स्वर्ग से लूसीफर गिरा था। ये मैं हूँ लुई, मैं हूँ लुई। ये किम है, वो औरत जिससे तुम प्यार करते। कोई आदमी उस औरत से कैसे प्यार कर सकता है जो उसके काम में सहयोगी ना दे सके, उसकी पेंटिंग में। ये तुम नहीं हो लोई, तुम्हें पेंटिंग ने ब्रश कर दिया है। हाय, डोरिन वाइल ने मुझे रोशनी दिखाई है जो उनके लिए दुनिया में सच्ची सुंदरता क्रिएट करने के लिए हमेशा के लिए था। गौरव वो इंसान है जो किसी और से ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखता है, हर आम आदमी। क्या ये सही नहीं है? हाँ, वो बहुत ही भयानक सिन है। पर ये बिल्कुल वैसा नहीं है, वो प्रीस्ट करते हैं, अपने आप को ऊंचा रखते हैं ताकि गॉड के पास रह सके। वो हर पाप करने वाले को जो उनके चारों ओर है उन्हें अपने आप से बेहतर समझते हैं। प्रीस्ट सही आदमी होने का प्रतीक होता है, गर्व करने वाला आदमी, एक बेहतर आदमी। तुम घातक सिन हो, गौरव हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं, नहीं, हे भगवान, नहीं। भागने की कोशिश बंद करो किम, कोप से कोई नहीं बच सकता। तुम कोप नहीं हो, तुम लुई विल्सन हो, वो आदमी जिसे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझे प्यार करता है। कहाँ, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मुझे बाहर मिली, ये तुम मेरे लिए लाए थे, है ना? इसलिए तुम मुझे यहाँ परिवार से मिलवाने लाए थे, तुम मुझे ये देने का प्लान कर रहे थे। अब ये बिल्कुल मेरा नहीं है। हाँ, ये तुम्हारा ही है। नहीं, नहीं, कोई भी मेरे और मेरी आर्ट के बीच में नहीं आ सकता, तुम भी नहीं आ सकती। ये तो देखेंगे। नहीं, ऐसा मत करो तुम। अब इसे मैं बुला सकता हूं मास्टरपीस, या फिर मास्टरपीस से भी बेहतर। भगवान ने कहा, चलो रोशनी आने दो। नहीं, नहीं, ऐसा है, अगर तुम पूछ को काट दोगे तो रिसने लगेगी। मेरा हाथ, हिलो मत, तुम बहुत कमजोर हो, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। और मेरा क्या? तुम दोनों के लिए, पर ये अंगूठी मेरी है। मेरे लिए तो ठीक है, मुझे ऐसे आदमी से शादी के लिए निष्ठा
जीना, वो तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है। ऐसा लग रहा हमें एक और कोप की जरूरत है। कौन मेरी प्रेरणा बनेगा? जीना, तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। डैड, 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 जल्दी से बाकी की पेंटिंग्स जला दो। यही एक पेंटिंग्स उठाकर नीचे लाओ। मैं गौरव, ग्लटनी और हवस लाती हूँ, मैं उन्हें बाहर ले जाकर जलाना होगा। मैं तुम्हें अपने परिवार को नहीं ले जाने दूंगा। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने और तुम्हारी पेंटिंग्स ने, तुम्हारी वजह से। जलने के लिए तैयार हो जाओ। किम, कहाँ हो तुम? किम, किम, किम कहाँ हो? कि तुम जिना के अंदर हो, लेकिन मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? शरीर में से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है? अपने परिवार को किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। भागो किम, उन्हें बचाओ, अपने आप को बचाओ। नीचे शिकारी पक्षियों के इलाके में बाहर निकलने का रास्ता है, बर्बाद कर दो उसे। मदद करो, हमारी। छोड़ूंगा नहीं, नर्क तक चला दूंगा। उन्होंने पेंटिंग्स के सारे पीसेज एक साथ रख दिए हैं, पर अभी भी वो मेरी पेंटिंग की पकड़ में है। कृपया मदद करो, कोई हमारी मदद करो, कोई मदद करो हमारी। जल्दी रुको, मदद करो, बाहर निकाल दियो, मदद करो हमारी, बचाओ। Ah!
मास्टरपीस। नहीं, तुम मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। किम देखो, ये वही पेंटिंग वाला है। ठीक है बच्चों। लुईस, उसे पकड़ दे, मेरी मदद करो। छोड़ दो मुझे, जल्दी छोड़ो। किम मुझे जल्दी बचाओ, भागो। बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है, मेरा विश्वास करो, ये इस दुनिया का अंत है। बाहर कैसे निकलूं? डैडी, डैड, मॉम, मेरे बच्चे। बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? किम, भगवान का शुक्र है। मुझे पता है कि तुमने हमारी मदद की। जिंदगी चलती रही, बच्चे स्कूल जाने लगे, लुईस और किम कॉलेज गए हैं। खुश रहो अगर उस पे भरोसा है तो। अडेला ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए। आप कैसी हैं? मतलब आपका कैसा चल रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती कैसा लगता होगा बेटी को खो देने के बाद। मैं जीती रहूंगी, मैं हमेशा करती हूँ। ये देखो, मैंने ये ड्रॉइंग चुन ली है, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सच में अच्छी है, हो सके तो आप इसको पेंट करिए। ये पेंटिंग्स दीवार पर बहुत अच्छी लगेगी।